शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के वार्ड नंबर 12 की जनपद सदस्य प्रत्याशी वंदना सिंह को जनता का खास समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने प्रत्याशी वंदना सिंह से खास बातचीत की। प्रत्याशी वंदना सिंह ने कहा कि 70 सालों से क्षेत्र के लोगों की सेवा करते आ रही है, जिसके चलते लोग मुझे सेवा का मौका देंगे और विजयी बनाएंगे। चुनावी समर में हम पहुंच चुके हैं सिंहपुर। जी हां, सोहागपुर जनपद पंचायत का वार्ड क्रमांक 12, जहां से जनपद सदस्य की उम्मीदवार हैं वंदना सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनपद सदस्य का चुनाव। हमारा तो विशेष यही ध्यान रहेगा कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और जल पानी की व्यवस्था सही हो, क्योंकि ये सभी समस्या, ये बहुत ही हर जगह समस्या है इसकी। तो सारा हमारा विशेष इसी में रहेगा कि और यहाँ पे शिक्षा को लेके क्या शिक्षा यहाँ, जैसे हमारे ग्राम में है 8वीं तक का स्कूल है, तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ 10वीं तक हो जाए जी। क्योंकि यहाँ जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है जी। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ 10वीं तक हो जाए। और क्षेत्र की बात है तो क्षेत्र सिंहपुर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ कॉलेज के लिए वहाँ का प्रयास रहेगा कि कॉलेज हो जाए जी। अच्छा, यहाँ पे आदिवासी भाई बहन भी रहते हैं, उनके लिए क्या ऐसा विशेष, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दैनिक जरूरत की चीजें हैं, उनका अभाव उनके यहाँ है, शिक्षा का अभाव है और कुरीतियां भी बहुत सारी, अंधविश्वास भी है उनमें और शिक्षा का भी अभाव है, नशे के भी शिकार है, तो ये सब छोटी छोटी जो सामाजिक चेतावनी है उनसे कैसे आप उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहला तो ये है कि महिलाओं के लिए है कि स्वयं रोजगार चाहेंगे कि उनका सिलाई सेंटर के लिए कि उनका एक सिलाई सेंटर हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। और सभी वर्गों को समान, सभी वर्गों को सोचने साथ में लेके चलने के लिए कि सभी के लिए हो, जो भी प्रयास करें वो सभी के लिए हो, मतलब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा आपने सोचा है। हाँ, महिलाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा है, ये उनको भी आगे बढ़ाना है। और नशे के जो शिकार हैं और कुछ के पास जैसे खुद की जमीन नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या, ऐसे लोगों के लिए है तो उनके लिए भी कुछ रोजगार, उनके लिए भी सरकार की कई योजनाएं जो हैं उसके, उसमें भी हम चाहेंगे कि उनको हम अपने उसमें लाएं, योजनाओं से जोड़ेंगे, योजनाओं से जोड़ेंगे, हाँ, उनको उस योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग भी लड़ रहे हैं और पुराना जिनका बैकग्राउंड है, तो आप अपने आप को कहाँ रखती हैं कि जनता का आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव जीत पाएंगे। जी, हमारा तो उम्मीद यही है कि जनता हमेशा हमारे परिवार का सहयोग करी, और हम कई वर्षों, मतलब है कि यहाँ परिवार हमारा इसमें राजनीतिक में रहा है। अच्छा। और जनता का बहुत ही सहयोग रहा है। लगभग कितने वर्षों से आपका परिवार रहा? मतलब 50-60 वर्षों से। अच्छा। हाँ, योगदान रहा है जी जी, और जनता का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है इसमें जी। और आज जो हम हैं, आज जो हमारा हमको आने का आगे हुआ।